रवि की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरजी कार के पूर्व प्रिंसिपल पर शिकंजा जारी है। सातवें दिन भी संदीप घोष से पूछताछ हुई है। कल छठे दिन संदीप से 14 घंटे तक पूछताछ हुई थी। संदीप घोष की गतिविधियों पर सीबीआई को शक है। सीधे आपको कोलकाता लिए चलता हूं, मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, कुल मिलाकर अगर संदीप घोष की बात की जाए तो सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि इसके आसपास ये केस पूरा घूम रहा है, तभी तो बार बार ये पूछताछ हो रही है। कुछ और जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, बाड़ी से लेकर गाड़ी तक हर एक जगह शिकंजा कस रहा है। और अगर मैं अपने सूत्रों के आधार पर कहूं तो सीबीआई बहुत ही जल्दी कई कदम आगे बढ़ने वाली है इस मामले में, खासतौर से इसलिए क्योंकि पिछले 6 दिन में जो 75 घंटे के आसपास की पूछताछ हुई है, और आज की अगर पूछताछ की बात करें जो सुबह 10 बजे 10:30 बजे से चालू हुई है, लगातार जारी है, जिसमें एक ओर आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो दिख रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से इस मामले को गुफअप कहते हैं ना, उससे ज्यादा बुरा हाल कर दिया गया है, जहां पर पुलिस कुछ कह रही है, कोर्ट में कुछ कहा जा रहा है, और उसके साथ साथ जो कागज में है वो कुछ और ही नजर आ रहा है, जो कि प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका हो जाती है पुलिस की नज़र में और आज सीबीआई की नज़र में पूर्व प्रिंसिपल की। जो प्रिंसिपल है उसे सब पता था विभाग में क्या हो रहा है, और आज यही हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़ित के माता पिता ने कहा कि उन्हें पता है कि विभाग में क्या हो रहा था और किसी को बचाने और छुपाने की कोशिश की जा रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि बचाना छुपाना तो अपनी जगह है, क्या यहाँ पर तथ्यों के आधार पर ही ये प्रूव हो पाएगा कि नहीं कि ये रेप था कि गैंग रेप था या इससे ज़्यादा हीनियस क्राइम था। उससे महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वो दस्तावेज, क्या वो सबूत अब मिल भी पाएंगे कभी, जिनके जरिए सच तक पहुंचा जा सकता था। सही आप कह रही हैं, और ये जो 100 घंटे की पूछताछ इस शख्स से हो चुकी है, ऐसा क्या लग रहा है सीबीआई को जिसके लिए बार बार ये पूछताछ की जा रही है, बार बार उसे ग्रिल किया जा रहा है, कुछ पता चल पा रहा है अंदर खाने से, कुछ जानकारी अगर आपको मिल पाई हो? एक ही सवाल जब आपसे 5 बार किया जाए और अगर आप उसके अलग अलग जवाब देंगे तो शक की सुई तो यकीन में बदलती चली जाएगी। कुछ ऐसा ही हो रहा है डॉक्टर संदीप घोष के साथ। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर उनसे एक ही सवाल अलग अलग पूछा गया, आपको याद रहे कि वो एक फाइल लेकर आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, ये किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए नहीं होता है, लेकिन इसको पिरोना पड़ता है। एक छोटी छोटी बीड्स अगर आप मोती लेंगे तभी एक माला बनेगी, लेकिन अगर उसमें एक भी मोती का साइज बदल जाएगा तो आप समझ लीजिए कि ये माला का मोती नहीं है। और ठीक इसी आधार पर सीबीआई भी काम करती है। सीबीआई ऐसा नहीं है कि आमने सामने बैठ के आपसे लगातार सवाल जवाब करती है, कई बार बातों कुछ जैसे ही नई जानकारी मिलेगी दर्शकों तक वो सूचना पहुंचाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।